अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज किचन 786 में आपका स्वागत है। तो आज हम इजी तरीके से सर्दियों में मटर की चटनी कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। तो हमने एक जार लिया, उसमें हमने डाले मटर। आपको जितनी क्वांटिटी में चटनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में मटर डाल लें। अब देखिए हमने इतनी मटर लिए हैं, अभी हम इसमें डालेंगे 1 टोमेटो कट करके डाला है। देखिए मैंने हम थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और अदरक डाल दें। हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, अगर देखिए अभी हम इसमें ग्रीन चिल्ली 2 पीस करके कट करके डालिए। अब इसमें हम साल्ट डाल के इसको ब्लेंड कर लें, हल्का सा इसमें पानी डाल के इसको हम कर लें ब्लेंड। गैस हमने एक पैन लिया है, अभी इसमें डालेंगे ऑयल। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल हमारा गर्म हो जाए, देखिए गैस ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस स्टेप में हम डालेंगे हरा धनिया 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, हल्का सा टर्मरिक पाउडर। हम डालेंगे जो हमने ब्लेंड की हुई चटनी डालने मटर वाली। गाइस बहुत ही इजी तरीके से सर्दियों के लिए, बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही अच्छी चटनी है। माशाल्लाह जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी रहेगी। अभी इस टाइम में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला डालेंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, आप चाहिए तो डालने वाला स्किप कर दें, गरम मसाला। तो हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून भर के घी, इसका स्मेल बहुत अच्छा आएगा माशाल्लाह। गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएं। रियली गाइस बहुत ही टेस्टी रहती है, आप जरूर बना के देखें। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। गाइस देखिए हमारी चटनी बनके तैयार है, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है माशाल्लाह। अब इसे हम पराठे के साथ पूरी के साथ सर्व करें, मज़े लीजिए। कुछ मिनट में बनके तैयार है, तो हम इसे सर्व कर लें। देखिए गाइस कुछ ही देर में बनके तैयार हमारी मटर वाली चटनी, जो कि फटाफट इजी एंड क्विक रेसिपी है। आप जरूर बना के देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।